अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक डिश टाइम। आज की मेरी रेसिपी है भिंडी का अचार। उसके लिए मैंने ये 250 ग्राम्स भिंडी ले ली है। अब इसको हम पहले कट कर लेते हैं। पहले हम इसके दोनों सिरों को कट करेंगे, उसके बाद बीच से स्लिट लगा लेंगे। चलिए कट करना शुरू करते हैं। इसमें से बीच से हम ऐसे कट लें। ये देखिए सारी भिंडी को मैंने स्लिट लगा लिया है। अब हम इसमें सारे मसाले भर के लिए हमको चाहिए ये 3 नींबू का रस, मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून हमको रेड चिली पाउडर चाहिए, 1 टीस्पून मेथी सीड्स एंड 2 टीस्पून राई पाउडर मैंने लिया है। ये राई पाउडर है और ये मेथी के दाने। 1 टीस्पून हल्दी और हमको 2 टीस्पून रोस्टेड तिल चाहिए। 10 से 12 मैंने करी लीव्स लिए हैं और 1 टीस्पून राई बघाने। अब हम क्या करेंगे, सारे मसालों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे एक बोल। और थोड़ा सा ये नींबू का रस इसमें मिलाकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इस मसाले को इस स्लिट में अंदर भरेंगे। ये देखिए सारी भिंडी में मैंने मसाले को फिल कर दिया है। अब इसको हम कुक करेंगे। मैं इसे बनाने के लिए सेसमे ऑयल यूज कर रही हूँ, तिल का तेल। आप सनफ्लावर ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इस स्पून से मैं 1.5 स्पून डालूंगी। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म होते ही मैं इसमें 1 पिंच हींग के डालूंगी। और ये करी लीव्स और राई अच्छे से क्रैकल हो गई है। अब इसमें हम इस भिंडी को ऐड कर, भिंडी को नरम होने तक पकाना और मसाले को बिल्कुल जलने नहीं देना है आपको, इसलिए फ्लेम को स्लो ही रखना। अब इसको मैं कवर करके 2-3 मिनट्स, 2 मिनट्स हो गए हैं देखिए। अभी इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे, कवर नहीं करेंगे, इसी तरह से खुला रखकर 2 मिनट तक स्पून को चलाते हुए पकाएंगे ताकि हमारे मसाले बिल्कुल भी जले। मिनट मैंने इसको चला लिया। अब हम क्या करेंगे, ये फ्लेम को बंद कर देंगे और ये जो नींबू का रस हमने बाकी रख दिया था वो भी ऐड कर देंगे और ये तिल भी ऐड। अच्छे से मिक्स कर देंगे और ठंडा हो। ठंडा होने के बाद हम इसको सर्व करें। इसको आप ऐसे ही
एयर टाइट कंटेनर में रखें ताकि हमारा पिकल बिल्कुल भी ख़राब ना हो और हम इसको 3 to 4 days यूज कर सकें। ये देखिए भिंडी का अचार रेडी है, बहुत ही टेस्टी बना है ये, आप भी ज़रूर ट्राई करें। हम इसको 3 to 4 days तक स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। ये बात का ध्यान रखना है कि भिंडी जब हम धोएंगे उसके बाद हमको एक कपड़े से उसको बिल्कुल ड्राई कर देना है। भिंडी कच्ची नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल भी वेट मॉइस्चर नहीं रहना। आप भी ज़रूर ट्राई करें और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।